बता दें कि खेल मंत्री अशोक चांदना की टीम ने जयपुर पोलो सत्र के पहले ही टूर्नामेंट दिया कुमारी कप को जीत लिया। यानी पहले ही टूर्नामेंट में रामबाग पोलो ग्राउंड पर खेले गए इस फाइनल में मंत्री की चांदना टीम ने सहारा वॉरियर्स को 6 के मुकाबले 7.5 गोल से हरा दिया। फाइनल में खुद मंत्री अशोक चांदना नहीं खेले लेकिन उनकी टीम के मैनुअल फ्लोरेंटे ने 5 गोल किए। गौरव सैगल ने अंतिम चक्कर में अहम गोल करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। सहारा के लिए विदेशी खिलाड़ी मैथ्यू पैरी ने भी सभी 6 गोल किए। जी बहुत अच्छा लग रहा है और ये पोलो सीज़न की शुरुआत, जयपुर पोलो सीज़न की शुरुआत आज ही से इसी टूर्नामेंट से की गई है और पहली बार की गई है। मेरे कप का जो इन्होंने उसका इस बार इनॉग्रल टूर्नामेंट था और बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे भी गढ़ है जयपुर पोलो का और बहुत अच्छा लगता है कि आम जनता का भी बहुत जुड़ाव है इस स्पोर्ट से। सभी लोग आते हैं, आपने देखा होगा वीकेंड्स पे तो इतनी भीड़ होती है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा पोलो जो है वो मुझे लगता है कि यहाँ का एक हेरिटेज स्पॉट तो है ही। लेकिन जैसे क्रिकेट और जगहों में आपने देखा होगा क्रिकेट को लेकर इतनी दिलचस्पी होती है जनता में, लोगों में, वैसे ही पोलो को लेकर उसी तरह का जो पैशन और दिलचस्पी है लोगों में, जनता में, वो भी यहाँ पर नज़र आती है जयपुर में, तो बहुत ही अच्छा।